हाय एवरीवन, वेलकम टू सिटी बाय सुपर नेट। भैया, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, खासकर सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यार डेट शीट बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है और डेट शीट आपको cbse.gov.in की वेबसाइट पे मिलेगी। मेन वेबसाइट पर आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर latest@cbse, यहाँ पर जाकर आपको डेट शीट दिखने लगेगी। लेकिन बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो कि सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए हैं। जस्ट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दी डेट शीट, वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या क्या चेंजेस हैं जो आपके अब आने वाले हैं एग्जाम के अंदर। तो देखिए, मैं यहाँ पर एक वेबसाइट पर हूँ, एक न्यूज आर्टिकल है india today.in। बहुत ही डिटेल्ड में इन्होंने वो चेंजेस यहाँ पर बताए हैं। सबसे पहला चेंज जो इन्होंने बताया है, ठीक बोर्ड एग्जाम से पहले, कि बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड ट्वाइस इन अ ईयर। ये हमें पता था, लेकिन इन्होंने थोड़ा और अच्छी तरीके से बताया है कि जहां पर दो लैंग्वेज जो है कंपल्सरी है पढ़ना बच्चों को, और एक उसमें से इंडियन होनी चाहिए, और सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम, जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, दे विल बी हेल्ड ट्वाइस अ ईयर। बच्चे के पास ऑप्शन रहेगा कि वो किस में अपियर होना चाहे या दोनों में अपियर होना चाहे, और दोनों में से बेस्ट का स्कोर चूज कर लिया जाए। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट की स्पेशल अरेंजमेंट फॉर स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड स्टूडेंट। देखिए, जो स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड वाले स्टूडेंट रहते हैं, उनकी कुछ और भी परीक्षाएं होती हैं और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन शेड्यूल और उन परीक्षाओं से वो क्या क्लैश करता है, तो उसके लेते हुए, उसको कंसीडर करते हुए यहां पर इन्होंने बोला कि देयर विल बी सम स्पेशल अरेंजमेंट, देयर विल बी सम स्पेशल डेट्स जहां पर उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। नो सेपरेट आंसर बुक फॉर अकाउंटेंसी, एक बहुत बड़ा चेंज। जो भैया कॉमर्स वाले बच्चे हैं जो अकाउंटेंसी में अपियर होने जा रहे हैं, उनकी क्या है, वो लाइन से खींची आती थी और वहां पर उनको पूरा काम करना होता था बोर्ड एग्जामिनेशन की आंसर शीट पर, तो वो अब आंसर शीट नहीं होगी, अब सबकी सिंपल आंसर शीट होगी, सबकी एक जैसी आंसर शीट होगी, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट, चाहे मैथ का हो, चाहे हिंदी का हो। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद कोई डिवीजन डिस्ट्रिक्शन या एग्रीगेट स्कोर नहीं है। पहले डिस्ट्रिक्शन बहुत बड़ा लफड़ा होता था यार, मतलब ये प्रेशर रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा कदम उठाया गया है। हमें भी एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता था, मतलब हमारे जो मम्मी पापा थे वो बोलते थे कि यार मैथ में तो डिस्टिंक्शन आनी चाहिए, मैथ में डी आना चाहिए लिखा हुआ, भाई इंग्लिश में डी आना चाहिए, भाई फिजिक्स में डी आना चाहिए। जब भी आपको आगे आने वाली यूनिवर्सिटीज या फिर की कोई अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन मिलेगा, या फिर जब भी मैं तेरी जेई की कोचिंग कराऊंगा, तो ये इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता। लेकिन अब जो है सीबीएसई खासकर कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी डिवीजन, कोई भी एग्रीगेट स्कोर अनाउंस नहीं करेगा। ये यूनिवर्सिटी पर रहेगा कि अगर किसी बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिए हैं तो बेस्ट 5 का स्कोर वो कंसिडर कर ले। तो ये काफी अच्छा चेंज जो है वो इंट्रोड्यूस किया है सीबीएसई ने। रेस्ट गाइज, इफ यू वॉन्ट टू डाउनलोड योर सीबीएसई की एग्जामिनेशन की डेट शीट, वो आपको यही इसी वेबसाइट पर मिलेगी जैसे अनाउंस होती है। 15 दिसंबर 2023 एक डेट जो है वो वायरल हो रही है, वो भी सर्कुलर में है, वो आई मतलब इधर उधर घूम रही है। तो अब देखते हैं कि ये 15 दिसंबर 2023 रहती है या फिर पिछली बार की तरह जैसे 29 से 30 दिसंबर 2022 को आई थी, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर को आती है। थैंक यू वेरी मच गाइस।